हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माई सुपर डूपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कैसे हो सबके साथ सब? फटाफट से बता दो इफ माई ऑडियो एंड दस विजुअल बोथ आर क्लियर चाहिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में ये स्टेप कर दो लेट मी सी इन द चैट सेक्शन वेरी फास्ट येस मोहम्मद गांधी जी इट स्टार्टेड नाउ येस वी आर लाइव दैट्स ग्रेट चलिए कैसे हो सा आपके साथ चलिए वेरी गुड आफ्टरनून जसमीत वेरी गुड आफ्टरनून उसज मिर्जा हेलो भव्य गर्ग गुड आफ्टरनून निलेश हाँ यस अतुल चौधरी एक्चुअली बाय मिस्टेक मैंने पता नहीं क्लास की टाइमिंग्स कैसे एट ओ क्लॉक सेट कर दी थी बट इट्स चलू ओ क्लॉक राइट चलिए आई एम गुड बच्चे भानु हाउ आर यू चलिए ठीक है तो एंड यू नो वट दस चेंज थिंग टूडे कि आज यहाँ पर वेदर ऐसा है कि सो तो मच हैवी रेनिंग थंड स्टॉम बहुत क्लाउडी वेदर है और आई डोंट नो कि ये इन्वर्टर कब तक चलेगा वाईफाई कब तक चलेगा आई होप कि आज की दोनों क्लासेज जो है सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाएँ विदाउट एनी इंटरप्शन बिकॉज कल रात से ये इलेक्ट्रिसिटी की इशू है इन्वर्टर चल रहा है कल रात से ही तो आई होप आई डोंट नो ये कब तक चलेगा तो लड़स्प्रे की ये दोनों क्लासेज आज की सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए चलिए नो रोशनी आम नॉट फ्रॉम चेन्नई हाउ लॉन्ग विल दिस सेशन मधुर आज का सेशन लंबा नहीं होगा सो डोंट वरी ओके खुशी चलिए चेन्नई में भी यही हाल है सिर्फ काफ़ी सारी जगहों पर आज यही हाल है ठीक है बिकॉज कल रात को तो इवन बहुत ज़्यादा ही यू you नो know, आंधी तूफान टाइप जिसको बोलते हैं वो सब था ठीक है so, तो अब तक मॉर्निंग में देखो आफ्टरनून हो गया अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है सो लेट्स प्रे कि इवन आई आई एम आल्सो वर्ड कि आज के दोनों सकस, आ, सेशन सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए ठीक है चलिए तो विदाउट एनी डेले स्टार्ट कर देते हैं हमारे इलेवन डेज मास्टर प्लान क्लास को ठीक है रॉकिन बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं वन शॉट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग राइट और हम देख लेते हैं सबसे पहले अपने कारिकुलम पर एक नजर लगा लेते हैं ठीक है और ये आप लोगों का सिलेबस ओके okay, अंकुश से देखिए जो आप लोगों का कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला चैप्टर है ना इसकी अगर हम वेटेज की बात करें वी आर हैविंग थ्री यूनिट्स ठीक है यूनिट वन हमारी कंप्लीट हो चुकी है फोर्टी मार्क्स की कंप्लीट पाइथन है आउट ऑफ सेवेंटी फोर्टी मार्क्स का आप लोगों का पाइथन आएगा और नेक्स्ट मेरे पास है कंप्यूटर नेटवर्किंग टेन मार्क्स का अब देखो इस टेन मार्क्स में से वो बिल्डिंग वाला क्वेश्चन आना ही आना है एक फुल फॉर्म आनी ही आनी है मीन्स दो फुल फॉर्म आ जाएंगी वन मार्क की और प्लस आप लोगों का थ्योरी आ जाएगा राइट तो वो रिमेनिंग कितने मार्क्स रह गए फोर मार्क्स के लिए हमें क्या पढ़ना है थ्योरी पढ़नी है तो ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है अगर पूरे डिटेलिंग में जाओगे ना तो आई थिंक इसमें आप देखो नॉलेज के लिए नो डाउट बहुत डिटेल में कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं बट इसको हम कवर करेंगे फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्जाम में किस टाइप से इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राइट सो so ये आपको चैप्टर पे बिल्कुल भी लेंथी नहीं लगेगा हाँ रोमेन आज के बेटा दो क्लासेस थे एक ट्वेल्व ओ क्लॉक और एक फोर ओ क्लॉक भी है जिसमें हम पी वाई कर रहे होंगे राइट या yeah. बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स को नेटवर्किंग वाले चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आती है कैसे करें कैसे ना करें राइट तो इसकी अगर आप सिर्फ पी वाई यूज भी कर लोगे तो बहुत इजीली आप टेन मार्क्स निकाल लोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है राइट तो अब हम इसको देखेंगे आपका जो नेटवर्किंग वाला यूनिट है इसमें आपको सिलेबस में देखो काफी कुछ तो कट भी गया है इसमें से राइट डिलीट हो गया काफी टॉपिक्स तो आप अगर इसको बुक में से देखो तो आपने ये टॉपिक्स ध्यान रखना जो जो सिलेबस में गिवन है सिर्फ वही वही करोगे ठीक है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है अर्पा नेट क्या है एन एस एफ नेट इंटरनेट प्लस मेरे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और फिर मेरे पास ये स्विचिंग uh, टेक्निक्स आ जाता है ट्रांसमिशन मीडिया आ जाता है नेटवर्क डिवाइसेस हैं टोपोलॉजीज हैं प्रोटोकॉल्स हैं और वेब सर्विसेज हैं तो कुल मिला के छोटे मोटे मेरे पास छह सात टॉपिक्स हैं राइट और बिल्डिंग वाले क्वेश्चन किस टाइप से करने किस मेथड से करने वो हम आज की इवनिंग वाले सेशन में करेंगे दैट इज फोर पी एम पर और वन मार्क आपका फुल फॉर्म आएगी राइट right? और फिर आके बच जाते हैं थ्योरी थ्योरी के मार्क्स तो ये हमारा बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे इस चैप्टर को आर यू गाइज ऑलरेडी फटाफट से कन्फर्मेशन दे दो विदाउट द वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम हाँ ये संकुश नेटवर्किंग की पी वाई क्यूज आपके फोर ओ क्लॉक वाली क्लास में होंगे आज राइट चलिए वेरी गुड आफ्टरनून कुमारी ईशा हाँ ओम प्रकाश किस कोर्ट की बात कर रहे हैं बच्चे आप चलिए यस रेडी दैट्स ग्रेट तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन से कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है सी देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हमारे स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स होते हैं कि वो सारे आपस में एक साथ मीन्स अलग अलग कंप्यूटर्स हैं तो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं तो इनमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है कहीं कोई डेटा शेयर नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा सही तो अगर मुझे सपोज करो किसी कंप्यूटर से कुछ डेटा को शेयर करना है तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती बिकॉज नेटवर्किंग नहीं है या फिर सपोज मेरे पास मेरे लैब में ट्वेंटी सिस्टम्स हैं और प्रिंटर मेरे पास एक ही है एक ही रिसोर्स है राइट तो अगर मुझे प्रिंट आउट निकालने हैं मैं उस वायर को डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पर लगाऊंगी जहाँ से प्रिंट आउट निकालना है या फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि भाई एक सिस्टम के साथ प्रिंटर लगा दिया जिस भी सिस्टम में फाइल है उस सिस्टम की फाइल को यहाँ ट्रांसफ़र करो फिर यहाँ से प्रिंट आउट निकालो तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस रह जाता है तो बट वी विल डू हम लोग क्या करेंगे इनकी क्या बना देंगे एक नेटवर्किंग में क्रिएट कर देंगे इन सबको आपस में कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से तो ये आपका क्या बन जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मैं एक ही प्रिंटर होगा जो सभी सिस्टम्स के साथ क्या कर दूंगी अटैच कर दूंगी राइट तो आप इस तरीके से इंटरनेट को भी यहां पर शेयर कर सकते ओके ओम प्रकाश आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना अदरवाइज टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो या फिर उस वीडियो के चैट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो सो आई विल रिप्लाई ओके आई विल चेक दैट बेटर डेफिनेटली चलिए तो अब हम आ जाते कंप्यूटर नेटवर्क मेरे पास क्या होता है द कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर्स इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क जहाँ पर सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से उसको हम क्या बोलते हैं नेटवर्क और अगर नेटवर्किंग में वो तभी होंगे अगर वो अपने डेटा को शेयर कर सके रिसोस को शेयर कर सके इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके तभी हम कहेंगे कि वो सारे कंप्यूटर्स आपस में क्या हैं कनेक्टेड है अगर वो कुछ शेयर नहीं कर रहा हैं रिसोर्सेज शेयर नहीं हो रहे हैं फाइल्स नहीं शेयर हो रही हैं तो दैट मीन्स वहाँ पर वो नेटवर्किंग का कंसेप्ट नहीं है चलिए नेक्स्ट मेरे पास देखो सारे आपस में कनेक्टेड हैं तो ये मेरा क्या क्रिएट हो गया है नेटवर्क नेक्स्ट मेरे पास आते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क तो फर्स्ट एडवांटेज इज रिसोर्स शेयरिंग सेकेंड वन इज द रिलायबिलिटी मोस्ट इफेक्टिव एंड द लास्ट वन इज द कम्युनिकेशन मीडिया तो सबसे पहले है मेरे पास रिसोर्स शेयरिंग रिसोर्स में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रिंटर का राइट मीन्स टू मेक ऑल द प्रोग्राम्स डेटा एंड पेरीफेरस पेरीफेरस मींस जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो आप सब उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं सभी के साथ शेयर कर सकते हो ठीक है उसकी लोकेशन नहीं मैटर करती कि अगर एक मीन्स मेरा प्रिंटर यहाँ है और वो कंप्यूटर बहुत दूर है अगर वो सारे नेटवर्किंग में है तो आप उसको जो है इजिली रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो नॉन नेक्स्ट है रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी मीन्स ट्रस्ट वर्दे जिस पर आप विश्वास कर सकते हो राइट मीन्स टू कीप द कॉपी ऑफ अ फाइल ऑन टू और मोर डिफरेंट मशीन्स कि आपके सारे सिस्टम्स नेटवर्किंग में है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सो जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उसको आप क्या कर सकते हो एक से ज्यादा सिस्टम पर रख सकते हो उसकी कॉपी करके सो so दैट अगर किसी भी वजह से कोई भी सिस्टम करप्ट हो जाता है या आप उसमें नहीं चेक कर सकते हो तो उसकी कॉपी जो आप उसकी दूसरे सिस्टम पर अवेलेबल है फिर आप वहां से उसको यूज कर सकते हो नेक्स्ट है मेरे पास कोस्ट इफेक्ट मीन्स इट ग्रेटली रेड्यूस द कोस्ट और कोस्ट कैसे रेड्यूज हो रही है बिकॉज हम लोग रिसोर्सेस को क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं राइट जैसे मैंने आपको प्रिंटर का बताया अगर ट्वेंटी सिस्टम से मुझे ट्वेंटी प्रिंटर्स लेने की जरूरत नहीं है एक प्रिंटर से मेरा काम चल जाएगा अगर सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे राइट right? सो so वो कैसे होगा मेरी कोस्ट वहाँ पर क्या हो गई रिड्यूस हो गई नेक्स्ट है मेरे पास कम्युनिकेशन मीडियम कम्युनिकेशन मीडियम कि वो किस तरीके से जो है आप आपस में मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं जैसे आप लोगों का कम्युनिकेशन मीडियम होता है किस मीडियम के थ्रू आप लोग आपस आप में बात कर रहे हो सेम हमारा नेटवर्किंग के थ्रू है मीन्स वन कैन सेंड मैसेजेस एंड वट द चेंजेस एट वन एंड आर डन कैन बी इमीडिएटली नोटिस एट द अनदर एंड सो जो भी आप चेंजेस एक जगह करोगे ऑटोमेटिकली वो दूसरी जगह पर रिफ्लेक्ट होंगे नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क में मेरे पास फोर टाइप्स के नेटवर्क हैं आप लोगों के सिलेबस में पैन लैन मैन एंड वैन अब चारों की फुल फॉर्म प्लस स्पेलिंग्स बहुत अच्छी तरीके से देख लो पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क लैन लोकल एरिया नेटवर्क मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड द लास्ट इज वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क ठीक है पैन आपका क्या होता है जिसकी जो रेंज है ना बहुत स्मॉल होती है अप्रॉक्स टेन मीटर्स तक लाइक like, अगर आप लोग एक फ़ोन ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो इस मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप तक हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं दो लैपटॉप्स के बीच में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं आप लोग फ्रेंड्स अपने आप में कोई फोटोज शेयर कर रहे हो वो सब किसका एग्जाम्पल है पैन दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क ये आपका केबल्स के थ्रू भी हो सकता है वायरलेसली भी हो सकता है केबल्स के थ्रू मीन्स आपने डेटा केबल को यूज़ करके डेटा को ट्रांसफर कर लिया वायरलेसली मीन्स ब्लूटूथ के थ्रू कर लिया राइट तो आपका क्या हो गया वायरलेस सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैन कि आप लोग फोन से लैपटॉप में डेटा शेयर कर रहे हो लैपटॉप से लैपटॉप में कर रहे हो इस तरीके से यस yes, दीपक जोशी वो हो चुका है नेक्स्ट मेरे पास है लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है इट इज अ नेटवर्क दैट इज कन्फाइंड टू रिलेटिवली स्मॉल एरिया इसके जो रेंज है वो आपकी पैन से ज़्यादा होगी और मैन से कम होगी मैन आपका विद इन अ सिटी होता है और लैन आपका जनरली विद इन अ बिल्डिंग आप कह सकते हो स्कूल बिल्डिंग कैंपस बिल्डिंग विद इन ऑफिस बिल्डिंग तो एक बिल्डिंग के अंदर जो आपका नेटवर्क होगा दैट इज़ द लैन और इसका जो रेंज रहता है दैट इज़ फाइव किलोमीटर्स देखो रेंज आपकी फ़िक्स नहीं होती है इसको हम ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अप्रॉक्स करके ले सकते हैं नेक्स्ट है मेरे पास द हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर ये आपका किसमें है लैंड में ठीक है हम लोग पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट मेरे पास आता है मैन मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क राइट तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका जो भी डेटा ट्रांसफर होगा कहाँ पर ट्रांसफर होगा विद इन द सिटी अगर मुझे विद इन द सिटी डेटा को ट्रांसफर करना हो तो हम कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे वैन लास्ट मेरे पास आता है वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क वाइड मीन्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आप लोगों का इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड है तो so, ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया वैन का और यहाँ पर आपने देखा है कि अगर मुझे वैन वैन में डेटा ट्रांसफर करना हो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट वी कैन ट्रांसफर द डेटा और जो सबसे बड़ा वैन है वाइड एरिया नेटवर्क वो आपका क्या हो गया इंटरनेट राइट चलिए तो सबसे स्मॉल एरिया पर पैन होता है फिर विद इन अ बिल्डिंग आपका लैन आ जाता है उसको मैं कंबाइन कर रही हूँ सिटीज में वो आपका मैन हो जाता है उसको मैं फर्दर कंबाइन कर रही हूँ तो आपका वैन नेटवर्क बन जाता है लैन का एग्जाम्पल बच्चे विद इन ऑफिस बिल्डिंग आप लोगों के स्कूल में कंप्यूटर लैब होती है उसमें जो भी कनेक्टिविटी हम लोग करते हैं वो लैन के थ्रू होती है मीन्स वो आपका लैन नेटवर्क होता है राइट मैन का एग्जाम्पल बेटा विद इन दिटी आपका कोई भी नेटवर्क हो वो आपका क्या होगा मैन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिटी में एक कंपनी है एक सिटी में दो जगह ब्रांचेज है उसकी तो उसको मैं आपस में कंबाइन कर ली नेटवर्क क्रिएट करी वो आपका कौन सा हो जाएगा मैन नेटवर्क नेक्स्ट डिफरेंस भी आ जाता है आपका लैन और वैन वे लैन और मैन वे मैन और वैन में राइट तो आपने एक तो फुल फॉर्म लिख देना डिफरेंस में और लिख दोगे कि वो कितना स्प्रेड रहता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वैन वाइड एरिया नेटवर्क सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे डिफरेंस में जो लैन की कनेक्टिविटी है वो आपके विद इन द बिल्डिंग रहता है और इसकी रेंज स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू वैन वैन आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड रहता है लैन की जो कोस्ट है देखो कम जगह पर है तो यूजलीटअप कोर्स होगी ऑल ओवर दर्ल्ड स्प्रेड है वो ऑब्वियसली सिंपल नेटवर्क वैन आपका क्या है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ठीक है नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है स्विचिंग टेक्निक्स क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है दैट्स ग्रेट नितिन हो गया आज इकोनॉमिक्स का पेपर इको का पेपर आज था इतनी जल्दी कैसे क्लास अटेंड कर रहे हो चलिए हाँ केस बेस क्वेश्चन की ट्रिक भी करेंगे अनुराग सिंह वो क्लास हमारी होगी फोर ओ क्लॉक कितने घंटे में घंटे में नहीं कुछ ही मिनटों में क्लास खत्म हो जाएगी बेटा सो डोंट वरी हाँ टेन नेट भी करेंगे चलिए नेक्स्ट मेरे पास आता है स्विचिंग टेक्निक अब देखो स्विचिंग टेक्निक क्या होता है दीज आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस द नेटवर्क कि आपने नेटवर्क बनाया अब मैं उस नेटवर्क में डेटा को किस तरीके से ट्रांसफर कर रही हूँ उसको हम क्या बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक्स राइट तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने भी एक नेटवर्क क्रिएट किया तो हम लोग आपस में डेटा को कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक्स तो बेसिकली वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक सर्किट स्विचिंग मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग ठीक है आप लोगों के कोर्स में आई थिंक सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग है अगर आपके सिलेबस की बात करें तो स्विचिंग टेक्निक्स में आपको कौन कौन सी दे रखी है सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग राइट नेक्स्ट देखो स्विचिंग टेक्निक सर्किट स्विचिंग में क्या होता है सर्किट स्विचिंग में जहाँ से जहाँ तक को डेटा को ट्रांसफर करना है मीन्स मेरे पास ये काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं नेटवर्किंग में अब मुझे डेटा को ट्रांसफ़र करना है अक्रॉस द नेटवर्क तो सर्किट स्विचिंग में क्या होगा जहाँ से डेटा मुझे जहाँ तक सेंड करना है जो सेंड करेगा वो आपका सोर्स होगा जहाँ तक मुझे सेंड करना है जिसके पास वो पहुँचेगा वो आपका डेस्टिनेशन सिस्टम होगा तो उसके बीच में एंड टू एंड मेरे पास जो है ट्रांसमिशन पाथ हम लोग क्रिएट कर देते हैं सो दैट वो जो डेटा है वो डायरेक्टली सेंड हो जाए ट्रांसफर हो जाए अब इसमें मेरे पास रिलायबिलिटी रहती है कि एंड टू एंड कनेक्शन मैंने स्टैब्लिश कर दिया तो बीच में कोई थर्ड वन तो है नहीं ठीक है आप ऐसे एग्जाम्पल हो सपोज़ आपके फ्रेंड सर्कल में टेन टेन फ्रेंड्स हैं राइट और आपने क्या बोला कि जिसको आपस में बात करनी है किसी थर्ड पर्सन के बिना आप लोग डायरेक्टली बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली मैसेज करेक्ट पहुंचेगा रिलायबल रहेगा डिलीवरी फास्ट होगी तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग इसमें लिखोगे सर्किट स्विचिंग में अनुराग ये टेन मार्क्स का आएगा बेटा तो सर्किट स्विचिंग टेक्निक फर्स्टली कंप्लीट एंड टू एंड ट्रांसमिशन पाथ बिटवीन द सोर्स और डेस्टिनेशन इज इस्टैब्लिश जहां से जहां तक डेटा को ट्रांसफर करना हो सोर्स टू डेस्टिनेशन वहां पर आप लोगों का जो डेटा है वो मीन्स एक पाथ हम लोग इस्टब्लिश कर देते हैं और पाथ इस्टैब्लिश करने के बाद हमारा जो मैसेज है वो ट्रांसफर होता है तो ये मुझे एक डायरेक्ट गारंटीड दे देते हैं डिलीवरी ऑफ मैसेज की बिकॉज बीच में कोई थर्ड वन तो है नहीं सो तो ये मेरा जो मैसेज है वो डायरेक्टली डिलीवर हो जाएगा एट सपोज ये आपका सोर्स कंप्यूटर है और ये आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर है यहाँ से यहाँ तक डेटा को ट्रांसफर करना है तो एक डायरेक्ट पाथ इस्टेब्लिश हो गया है दोनों नेट कम्प्यूटर्स uh, के बीच में फिर मैं यहाँ पर अपना डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ एंड द नेक्स्ट वन इज़ द पैकेट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या है कि जो डेटा ट्रांसफ़र होगा ना उसको आप स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे और उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं पैकेट्स राइट तो इसमें आपका जो डेटा ट्रांसफ़र होगा किसकी फॉर्म में होगा पैकेट्स की फॉर्म में और पैकेट्स क्या होता है कुछ नहीं बस जो भी आपने डेटा ट्रांसफ़र करना है उसको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे उन स्मॉल पार्ट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं पैकेट और देखो ज़रूरी नहीं है कि सारे पैकेट्स एक ही रूट से जाएं एक ही रास्ते से जाएं वो अपना अलग अलग रूट को फॉलो कर सकते हैं एट द डेस्टिनेशन वा करके कंबाइन हो जाते हैं ये बेसिकली यहां पर हम लोग आगे पढ़ेंगे लेक्चर में कि TCPI का मेन का काम क्या होता है यहां पर राइट right? चलिए ना देखो नेक्स्ट वैसे मैसेज स्विचिंग कोर्स में नहीं है बट इसके बारे में सिर्फ एक चीज पढ़ लो कि हमारा स्टोर एंड फॉरवर्ड कंसेप्ट पर बेस रहता है अभी तक हमारे जो क्या हुआ हमने मीन्स डेटा को सेंड किया है बट मैसेज स्विचिंग क्या कहते हैं कि जो भी मेरे पास डेटा आ रहा है मैं उसको स्टोर कर रही हूँ फिर फॉरवर्ड कर रही हूँ नेक्स्ट वाला भी क्या करेगा स्टोर करेगा फॉरवर्ड करेगा ठीक है तो इसमें हमारा जो है स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म यूज होता है राइट right? नेक्स्ट मेरे पास है डेटा कम्युनिकेशन की कुछ टर्म्स होती हैं दैट इज चैनल बैंडविड्थ एंड डी डेटा ट्रांसफर रेट राइट सबसे पहले देखते हैं चैनल क्या होता है इट इज़ द मीडियम यूज टू कैरी इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए तुम तो किस मीडियम का यूज कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं चैनल ये बेसिकली आपका फिजिकल मीडियम रहता है फिजिकल मीडियम कि आप वायर यूज कर रहे हो कौन सी वायर यूज कर रहे हो वो सब ट्रांसमिशन मीडियम जिसको आप बोलते हो राइट केबल्स यूज कर रहे हो केबल्स ओवर द इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इज कॉल्ड यस निशा चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है बैंडविड्थ बैंडविड्थ आपका क्या है डेटा ट्रांसफर दैट कैन बी सम्पोर्टेड बाय आ नेटवर्क इज कॉल्ड द बैंडविड्थ इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं हाँ ये डेफिनेशन देखो आप बैंडविड्थ रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी आपका ट्रांसमिशन चैनल है उसकी जो डिफरेंस रहेगा दैट इज़ हाइस फ्रिक्वेंसी माइनस द लोस्ट फ्रिक्वेंसी वो आपका क्या होता है बैंडविथ जिसकी बैंडविड ज़्यादा होगी हाई बैंडविड चैनल्स आर कॉल्ड ब्रॉडबैंड चैनल्स और जहाँ पर आपकी बैंडविड्थ लो होगी उसको हम क्या बोलते हैं नैरो बैंड चैनल और देखो आप जो मीन्स अगर लार्ज फाइल सेंड कर रहे हो कोई मूवी सेंड कर रहे हो एनिमेटेड मूवीज हैं वीडियोस हैं इसके लिए आपके जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा यूज होगी इमेज फाइल है टेक्स्ट फाइल है उसकी बैंडविड्थ आपके वहां पर कम यूज होगी ठीक है नेक्स्ट मेरे पास है डेटा ट्रांसफर रेट डेटा ट्रांसफर रेट मीन्स मैंने इस पर्टिकुलर टाइम में कितना अमाउंट ऑफ डेटा सेंड किया है उसको हम क्या बोलते हैं डेटा ट्रांसफर रेट इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर पर सेकेंड कि उस कम्युनिकेशन चैनल पर एक सेकेंड में मैंने कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर किया है दैट इज नोन एज द डेटा ट्रांसफर रेट ठीक है ये कुछ डेफिनेशन ठीक है चीके? आपको लर्न करनी है समझ के कर लो कोई दिक्कत नहीं आएगी डेटा ट्रांसफर रेट की जो आपकी मेजरिंग यूनिट्स दैट इज बीपीएस देखो एक चीज़ ध्यान रखना स्मॉल बीपीएस है तो बिट्स पर सेकेंड बीपीएस में कैपिटल बी है तो बाइट्स पर सेकेंड राइट सिमिलरली अगर के तो ये हो जाएगा किलो बिट्स पर सेकेंड के में बी कैपिटल होगा तो किलो पर सेकेंड राइट right? नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आ जाता है नेटवर्क टॉपोलॉजीज अगेन इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अब देखते हैं कि आपके करिकुलम में कितनी टोपोलॉजीज है आई थिंक थ्री टोपोलॉजीज आर देयर बस स्टार एंड देन ट्री टोपोलॉजी ठीक है नेक्स्ट अब देखो टोपोलॉजी क्या है इट इज़ द आर्ट ऑफ़ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क मीन्स मैंने क्या बोला कि मेरे पास नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं अब सपोज ये फाइव कंप्यूटर्स हैं इसको मैं किस तरीके से कनेक्ट कर रही ली एक तो मेथड क्या हो गया मैंने ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए राइट right? एक मेथड क्या हुआ मैंने ऐसे ली वायर और यहाँ पर फाइव कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए एक मैंने सर्कुलर मोशन में कनेक्ट कर दिए सारे कंप्यूटर्स तो ये आपका क्या है टोपोलॉजी कि मेरे पास जितने सारे कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में उसको मैं किस तरीके से कनेक्ट कर रही हूँ दिस इज नॉन द टोपोलॉजी द वे इन विच कंप्यूटर्स और डिवाइसिस आर फिजिकली इंटरकनेक्टेड ठीक है वो किस तरीके से कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर और सॉरी नेटवर्क टोपोलॉजी ये क्या ओपन हो गया चलिए ना नेक्स्ट मेरे पास आता है टाइप ऑफ टोपोलॉजीज रिंग टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी ये तो बिल्कुल सीधे सीधे आप लोगों के उसमें सिलेबस में मैंशन है और भी काफी सारी टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं ठीक है ठीके? और वैसे रिंग टोपोलॉजी आप लोगों के सिलेबस में नहीं दे रखा बट इसको भी हम कवर अप कर लेते हैं बिकॉज कई बार आ जाते हैं स्टार्ट हम लोग करते हैं बस टोपोलॉजी से अब बस टोपोलॉजी का काम क्या होता है देखो बस क्या काम करती है ये आपकी बस है ठीक है, जितने भी पैसेंजर्स है एक जगह से दूसरी जगह तक इसको लेके जाने का काम है सेम मेरा कौन करेगा बस बस चैपोलॉजी इन बस चोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्ट इसका हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे फिर हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और डेफिनेशन पढ़ेंगे, राइट अब नाउ सी हियर, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बस चैपोलॉजी इसमें ये मेन वायर है मेन केबल ये ब्लैक वाली इसको हम बोलते हैं बैकबोन बैकबोन मीन सारा का सारा नेटवर्क मेरा इसी केबल पर डिपेंड है और ये सारे कंप्यूटर्स मेरे इसी वायर से आपस में क्या हैं कनेक्टेड हैं राइट अब इसमें क्या होगा अगर मेरा एक भी कंप्यूटर ख़राब हो जाए सपोज ये वाला नेटवर्क ये वाला कंप्यूटर मेरा इस नेटवर्क पे करप्ट हो गया तो क्या मेरा पूरा नेटवर्क इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा बिकॉज मेरा पूरा कंप्यूटर नेटवर्क इस पर डिपेंड है इस बैकबोन पर राइट बट इन केस अगर मेरी ये बैकबोन वाली वायर ही खराब हो जाती है तो वो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा करप्ट हो जाएगा राइट अच्छा इसमें एक चीज़ और देखो अगर मुझे डेटा को ट्रांसफर करना है सपोज इस सिस्टम ने इस सिस्टम को डेटा ट्रांसफ़र करना है तो इस केबल के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा राइट अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में अगर एक कंप्यूटर मेरा खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क मेरा वहाँ पर करप्ट नहीं होगा ठीक है बट अगर मेरी ये बैकबोन वायर ही चली गई तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क वहाँ पर क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा राइट right? नेक्स्ट मेरे पास आता है स्टार टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी क्या है आपका ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच हाँ भास्कर वो हमारी इवनिंग वाली क्लास में होंगे आज उस डोंट वरी चलिए नेक्स्ट देखिए स्टार्ट अपोलॉजी में यहाँ पर मेरे पास एक मेन सर्वर है सारे के सारे कंप्यूटर्स आपके यहाँ पर इसी से ही कनेक्टेड हैं राइट तो ईच नोड इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ हब और स्विच सारे के सारे कंप्यूटर्स आपके हब और स्विच से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इफ़ एनी नोड इसका भी हम पहले वो देखेंगे देखो ये सारे कंप्यूटर्स इस हब और स्विच से कनेक्टेड हैं तो so, सारा का सारा काम इस पर डिपेंड रहता है राइट right? अब नॉलेट सपोज ये वाला मेरा जो सिस्टम है ठीक है ये आपका करप्ट हो गया तो क्या मेरा पूरा नेटवर्क करप्ट हो रहा है नहीं हो रहा बाकी तो मेरा नेटवर्क एज इट इज चलेगा वेरअस अगर मेरा ये हब और स्विच जिस पर सारे कंप्यूटर्स डिपेंड थे वही फेल हो जाता है उसी में कोई फॉल्ट आ जाता है तो वहां पर मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क करप्ट हो जाएगा ठीक है इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आप लोग इसकी सभी टाइप की टोपोलॉजी की पढ़ लेना ठीक like है लाइक स्टार अपोलॉजी की ईजी टू इंस्टॉल है इट इज़ ईजी टू डायग्नोस्ट द फॉल्ट इन स्टार अपोलॉजी अगर एक कंप्यूटर करप्ट हो जाता है तो पूरा नेटवर्क मेरा वहाँ पर स्टॉप नहीं होगा नेक्स्ट मेरे पास आता है रिंग टोपोलॉजी रिंग आपकी सर्कुलर फॉर्म में होती है ठीक है so सो इसमें भी जितने कंप्यूटर्स हैं वो किसके फॉर्म में होंगे रिंग टोपोलॉजी में सर्कल के फॉर्म में ये yes, स्ट्रॉय हो जाएंगे बेटा एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन द रिंग और ईच ट्रांसमिट द सिग्नल वैन इट रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस वन अब इसमें डेटा कैसे ट्रांसफर होगा सपोज़ ये सारे कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से और किस में सर्कुलर फॉर्म में अब अगर इसने इसको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो ये इस तरीके से सभी कंप्यूटर्स के पास से होकर के जाएगा द मैसेजेस फ्लो अराउंड द रिंग इन वन डायरेक्शन नेक्स्ट है मेरे पास ईजी ट्रांसोइ को कॉन्फिगर करना ईजी है कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट करना ईजी है ठीक है ओल्ड डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन तो कॉलेजन नहीं होता कॉलेजन मीन्स टकराव बिकॉज अगर दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो रहा हो तो हो सकता है इधर से भी आ रहा है इधर से भी आता है तो डेटा मीन्स कॉलेजन हो सकता है बट यहाँ पर आपका सारा का सारा डेटा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो आपके पैकेट्स या फिर कॉलेजन नहीं होता हाँ जी रोमल मैंने आपको बोला रेंगे तो सिलेबस में नहीं है फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं रीजन बिंग दैट कई कई बार एग्जाम में आ जाता है राइट? कि आपका रिंग राइटोलॉजी हो गया अब देखो एक सिस्टम कैमरा इसमें कोई करप्ट हो गया फॉल्ट हो गया तो आगे वो डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा वो रुक जाएगा इन दोनों ने डेटा ट्रांसफर करना है अगर ये वाली डायरेक्शन फॉलो करनी है तो तो हो जाएगा अगर फिर वो आगे नहीं जा पाएगा तो ये प्रॉब्लम इसमें रहती है राइट चलिए नेक्स्ट है मेरे पास ट्रीट ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी आप लोगों को पता है कौन सी है एक बैकबोन के थ्रू सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं नेक्स्ट मेरे पास है स्टार टोपोलॉजी तो स्टार टोपोलॉजी में एक हब से सारे के सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं ठीक है तो ट्री टोपोलॉजी इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है नॉ सी दिस वेरी केयरफुली यहाँ से अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये तो एक अकेले अकेले आपके क्या है स्टार टोपोलॉजी है ठीक है इसको मैंने इस बैकबोन से कनेक्ट कर रखा है तो ये आपकी क्या बन गई है कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी अब इसमें देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज में अगर सपोज ये वाला नेटवर्क है राइट और एक ये वायर है अब अगर ये नेटवर्क में करप्ट आ जाता है तो मेरा पूरा जो ट्रीटोलॉजी का नेटवर्क है उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा वेयर एज अकेला अकेला वो नेटवर्क यहाँ पर ये काम करेंगे अगर मेरी ये जो बैकबोन वाली वायर है तो एक नेटवर्क मेरा दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा राइट चलिए नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन मीडिया ठीक है इसमें से आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे को ये पता है कि मेरे पास दो टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया हैं कौन कौन से गाइडेड और अनगाइडेड राइट गाइडेड मीडिया और ऑल्सो नोन एज वायर्ड मीडिया और अनगाइडेड को हम क्या बोलेंगे वायरलेस मीडिया ये इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स वायर्ड में आपके कौन कौन से ट्विस्टेड पेयर केबल को एग्जैन केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल और वायरलेस में आपके कौन से इंफ्रारेड माइक्रोवेव रेडियो वेव्स और सैटेलाइट इसमें आपने ये चीज ध्यान रखनी है जहाँ पर आपकी हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए हो वो आपके कौन सी है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है इसकी जो कोस्ट है वो क्या होती है ज्यादा होती है। नेक्स्ट मेरे पास आता है ट्विस्टेड पेयर केबल देखो ट्विस्टेड वो ऐसे एक तरीके एक दूसरे के ऊपर ऐसे ट्विस्ट होती हैं, राइट ठीक है अगर आप इसके बिल्कुल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हो डिटेलिंग के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी जो प्लेलिस्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग वो आप देख सकते हो उसमें पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है बिकॉज आज के वन शॉट में हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जिससे आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिले राइट right? और इसके बाद मेरे पास आता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है मेरे पास इजी टू इंस्टॉल है या इनएक्सपेंसिव है इसकी कॉस्ट आपकी क्या होती है कम होती है इट इज़ इनकेपेबल टू कैरी अ सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो मैं वहाँ पर अपना इस ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ नहीं कर सकता अगर यूज़ करना है तो मुझे साथ में क्या यूज़ करना पड़ेगा रिपीटर्स नेक्स्ट मेरे पास आता है कोई केबल केबल आप लोगों की कुछ ऐसी दिखती है ठीक है और इसमें आपका डेटा ट्रांसफर बेटर होता है ट्विस्टेड से और इसमें आपका कोर्स भी थोड़ी सी बेटर है एक्सपेंसिव है ये वाला ठीक है एक्सपेंसिव है तो एडवांटेजेस भी देगा ये नेक्स्ट मेरे पास आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसको मैं हाई सिक्योरिटी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस के साथ अच्छी स्पीड के साथ डेटा को ट्रांसफर कर सकती हूँ नेक्स्ट मेरे पास आता है वायरलेस मीडिया इंफ्रा फर्स्ट वन मेरे पास आता है इंफ्रा रेड में क्या होता है कि जो भी इसके सिग्नल्स होते हैं ना वो एक रूम के अंदर होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा टी का रिमोट होता है ए का रिमोट होता है उसके आगे वो छोटा सा बल्ब लगा होता है राइट वो आपके वहाँ पर इंफ्रा रेड रेज होती हैं अगर आप देखोगे कि उसको हाथ आगे रख दो फिंगर से उसको कवर कर दो तो वो रिमोट वर्क नहीं करता ठीक है चीके? या फिर अगर आपने कुछ ऑब्सकल आ गया बीच में वॉल आ गई बीच में तो भी वो आपका वर्क नहीं करता ठीक है चीके? तो ये आपका क्या ट्रांसमिट्स द डेटा थ्रू द एयर एंड कैन प्रोपोगेट थ्रू आउट रूम बट विल नॉट पेनीट्रेट द वॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पेनीट्रेट मीन उसको क्रॉस करके ये सिग्नल्स को डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता ठीक है एग्जाम्पल्स हो गए टीवी के रिमोट्स हो गए और वायरलेस स्पीकर हो गए ये सब चीजें एप्रीविएशन्स भी करेंगे पुष्कर नेक्स्ट है मेरे पास रेडियो वेव्स रेडियो वेव्स अगर मुझे अपना जो डेटा है वो बहुत दूर तक भेजना हो ठीक है बट ये हमारा इन रहता है इसमें मेरा डेटा सिक्योर नहीं रहता और रेडियो वेव प्रपोगेशन इज सेप्टेबल टू वेदर इफेक्ट्स अगर रेन हो गई ठंड हो गया तो वहाँ पर आपकी रेडियो वेव जो कारगर स्थित नहीं होता नेक्स्ट मेरे पास आता है माइक्रोवेव इट इज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन जो हमारे पीसीएम स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा ये लाइन ऑफ साइट क्या होता है ठीक है सो तो इसके जो सिग्नल्स हैं आपके रेडियो वेव से ज़्यादा स्पीड पर ट्रांसफर करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पर जाते हैं ठीक है और अगर मुझे अपना ऑप्शन में डेटा ट्रांसफर यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगी माइक्रोवेव नेक्स्ट मेरे पास आता है सेटेलाइट सेटेलाइट मीन्स अगर मुझे बहुत दूर तक डेटा को ट्रांसफर करना है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे सेटेलाइट नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है नेटवर्क डिवाइसेस नेटवर्क डिवाइसेस में आपके पास कौन कौन से टॉपिक है फर्स्ट वन इज द मॉडेम। इसकी फुल फॉर्म है मेरे पास मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर तो इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस ये आपका कन्वर्ट क्या करेगा बेसिकली मॉडेम। ये आपका जितने भी एनोलॉग सिग्नल्स होंगे उसको डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा ये एनोलॉग में राइट right? नेक्स्ट है इसमें मेरे पास टू टाइप्स के मीडियम होते हैं इंटरनल मीडियम और एक्सटर्नल मीडियम सॉरी इंटरनल मॉडम और एक्सटर्नल मॉडम इंटरनल मॉडर्मस जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फिक्स होते हैं और एक्सटर्नल जो आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप के जो हमारे मॉडर्म होते, है, होते हैं ये एक्सटर्नल मॉडर्म होते हैं नेक्स्ट मेरे पास है आरजे फोर्टी फाइव इसकी फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड जैक ये आप किस तरीके से दिखते हैं आपने देखा होगा ये टेलीफोन लैंडलाइंस पर भी लगे होते हैं ठीक है या फिर मॉडर्म के पीछे हम लोग इसको लगाते हैं कनेक्टर को नेक्स्ट मेरे पास आता है कार्ड इसमें एन आई सी की फुल फॉर्म कर लो दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो जो आपस में नेटवर्क वर्क स्टेशन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं तो वो वहां पर आपके इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ इधरनेट कार्ड कनेक्टेड रहते हैं यहाँ पर आपका आरजे फोर्टी फाइव लगेगा नेक्स्ट मेरे पास आता है हब हब इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर अगर मुझे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करना हो तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हब सेंड्स द इनकमिंग डेटा टू ऑल द डेस्टिनेशन अब इसका काम क्या है देखो हब को न एक तरीके से डम्प डिवाइस बोलते हैं ठीक है डम्प डिवाइस क्यों क्योंकि इसके पास जो भी डेटा आता है ना वो सभी को सेंड कर देता है तो ऑब्वियसली इसमें जो मेरा डेटा है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं रहेगा ठीक है सेंड द इनकमिंग डेटा टू ऑल द डेस्टिनेशन सपोज आपके फ्रेंड सर्कल में फाइव फ्रेंड्स हैं एक के पास बात पहुंची, बताने सिर्फ एक को थी पर उसने सब फ्रेंड सबको कर दी बता सबको दी ठीक है कहते हैं ना डिंडोरा पीट दिया वो काम हमारा कौन करता है हब तो नेक्स्ट मेरे पास है दो टाइप के हब होते हैं एक्टिव हब और पैसिव हब अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए सी हब इज कॉल्ड अ नॉन इंटेलिजेंट या फिर हम डिवाइस डम डिवाइस क्यों क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट सब इंफॉर्मेशन सभी को सेंड कर देते हैं सिर्फ रिसीवर को तो करेगा उसके अलावा भी सबको सेंड कर देगा नेक्स्ट मेरे पास है स्विच इसको हम स्मार्ट डिवाइस बोलते हैं रीजन बिंग दैट ये क्या करेगा सिर्फ जो इंटेंडेड डेस्टिनेशन है ना उसी को डेटा ट्रांसफर करेगा सबको डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा इट कैन आइडेंटिफाई द इंटेंडेड डेस्टिनेशन और सिर्फ उसी को ही डेटा ट्रांसफर करेगा ट्रैफिक इज जनरेटेड नेक्स्ट है मेरे पास रिपीटर रिपीटर क्या होता है कि अगर मुझे अपना डेटा लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसफर करना हो तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं रिपीटर सपोज इसमें यहाँ तक तो कोई डेटा ट्रांसफर करना है अब इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है ठीक है अब काफी ज्यादा है तो आपके जो सिग्नल्स हैं वो वीक होने लगते हैं तो हमारे सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं रहते वीक होने लगते हैं उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए या फिर आप कह सकते हो रीजनरेट करने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ता है रिपीटर अब देखो बात आती है कि रिपीटर्स कितने डिस्टेंस पर यूज करें बिकॉज कई लोग आप जगह कहीं पर आप लोग पढ़ोगे हंड्रेड मीटर लिखा है कहीं पर सेवेंटी मीटर लिखा है सो ऑन एन एवरेज ऑफ सेवेंटी टू हंड्रेड मीटर की रेंज के बार मीन इससे ज्यादा ठीक है हंड्रेड मीटर से ज़्यादा जो भी आप लोगों का डिस्टेंस होगा वहां पर रिपीटर्स आपके यूज होंगे ब्रिज इट लेट्स यू लिंक टू नेटवर्क्स टुगेदर। अगर मुझे दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है जो सेम प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं सेम ट्रांसमिशन मीडिया यूज कर रहे हैं तो वो मैं किसकी हेल्प से करूंगी ब्रिज की हेल्प से राउटर क्या होता है कि अगर मेरे को राउटर मीन्स रूट मेरा जो पैकेट है वो किस रूट को फॉलो करेगा नेटवर्क में काफी सारे रूट होते हैं रूट मीन्स रास्ता पाथ तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए काफी सारे मेरे पास पाथ होते हैं रूट होते हैं तो राउटर मुझे बेस्ट पॉसिबल जो पाथ होगा वो बता देगा नेक्स्ट आता है गेटवे अगर मुझे दो डिसिमिलर नेटवर्क्स कनेक्ट करने डिसिमिलर नेटवर्क मीन्स अगर मुझे लैन को वैन से कनेक्ट करना हो तो वहां पर मैं क्या यूज करूंगी गेटवे अगर सेम नेटवर्क को कनेक्ट करना दैट इज लैंड टू लैंड तो वहां पर आप ब्रिज यूज कर सकते हो राइट नेक्स्ट है मेरे पास वाईफाई कार्ड इट अलाउज टू कनेक्ट आवर डिवाइस टू हॉटस्पॉट अवेलेबल ठीक है हॉटस्पॉट आप लोग कनेक्ट करते हो वाईफाई कार्ड इस टाइप का होता है और वाईफाई की फुल फॉर्म रहती है वायरलेस फेडिलिटी नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रोटोकॉल्स अब देखो प्रोटोकॉल्स में आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोटोकॉल किस परपज़ के लिए होता है प्लस इसकी डेफिनेशन क्या है और सॉरी फुल फॉर्म क्या है तो फर्स्ट है मेरे पास एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इसमें मेरे पास अगर मुझे क्या करना है एच टी टी पी प्रोटोकॉल जो आप लोगों का क्लाइंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो जनरली किसके बेस पर रहता है आप लोगों का एच टी टी पी के थ्रू ठीक है आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं बच्चे एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल कंसीडर दैट सो डोंट वरी नेक्स्ट मेरे पास आता है एफ टी पी एफ टी की फुल फॉर्म है मेरे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल को ट्रांसफर करना है अपलोड करना है डाउनलोड करना है वहां पर हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं एफ टी पी नेक्स्ट मेरे पास आता है टी सी पी आई और टी सी पी आई की फुल फॉर्म क्या रहती है मेरे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल राइट अब देखिए मेरे पास मैंने आपको भी पैकेट स्विचिंग में बताया था कि जब मेरे नेटवर्क्स आपस में एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करते हैं पैकेट्स के फॉर्म में करते हैं तो वहाँ पर जो डेस्टिनेशन सिस्टम होता है फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए मेरे पास ये एक नेटवर्क है नेटवर्क में मेरे पास काफी सारे कंप्यूटर्स हैं राइट right? ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं अब लेट सपोज़ अगर किसी भी सिस्टम ने लेट सपोज़ इसने डेटा ट्रांसफ़र करना है इस सिस्टम को तो इसके पास जो डेटा है उसने उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा पैकेट्स के फॉर्म में अब इन पैकेट्स ने अपना अलग अलग रूट पकड़ा लाइट फॉर सपोज फर्स्ट पैकेट यहाँ से आ रहा था सेकंड पैकेट ने ये रूट फॉलो करा थर्ड पैकेट ने ये रूट फॉलो करा तो डेस्टिनेशन के पास ये पैकेट पहुंचे इस फॉर्म में राइट और हो सकता है या फिर अगर एक आधा पैकेट मेरा मिस हो जाए या फिर कुछ फॉल्ट आ जाए उसमें तो यहाँ पर मेरा जो काम करेगा कौन सा प्रोटोकॉल करेगा टी सी पी आई पी टी सी पी आई पी मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है तो आई पी प्रोटोकॉल तो ये देखते हैं कि मुझे कहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र करना है टी सी पी प्रोटोकॉल यहाँ पर अपने पैकेट्स को रीअसेंबल करेगा राइट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द करेक्ट डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर की जो डेटा को हमने सेंड किया है वो अच्छे से डिलीवर हुआ है या फिर नहीं हुआ और ये चीज़ हमने पढ़ी है अभी इट डिवाइड्स द लार्ज पैकेट उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेगा पैकेट्स बोल सकते हो या फिर डेटाग्राम्स बोल सकते हो और रिसीविंग एंड जहाँ पर उसको रिसीव करना जो आपका डेस्टिनेशन सिस्टम है वो उसको क्या करेगा रीअसेंबल मीन सभी पैकेट्स को कम्बाइन कर देगा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में बिकॉज हो सकता है कि जब मैंने अपने मैसेज को पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड किया तो वो पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं उनको रीअसेंबल सही ऑर्डर में कौन ले करके आएगा टी सी पी प्रोटोकॉल और नेक्स्ट मेरे पास है आई पी इंटरनेट प्रोटोकॉल ये हर एक इसके पास हर एक सिस्टम का एड्रेस होता है तो ये अपना पैकेट जो भी है वो करेक्ट सिस्टम तक वो डिलीवर कर देगा ठीक है नेक्स्ट मेरे पास आता है पीपीपी दैट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल नेक्स्ट इज एस एम टीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या मतलब होगा बेटा क्लास ट्वेल्थ अगर परमिशन हो तो ये चैट सेक्शन बंद कर दिया जाए तुम लोगों का क्योंकि जिस परपज के लिए आप लोग इसको यूज कर रहे हो उस पर्पज के लिए तो है ही नहीं राइट चलिए नेक्स्ट है मेरे पास सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर मुझे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को सेंड करना हो उनके ईमेल एड्रेसेस के थ्रू तो वहाँ पर हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं एस नेक्स्ट मेरे पास है पी ओ पी थ्री पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल राइट और ये थ्री आपका जनरली हमारा क्या है उसका वर्जन तो पी प्रोटोकॉल में क्या होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक तो देखो नंबर वन पॉइंट क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है इन विच ई मेल इज़ रिसिव्ड एंड हेल्प फॉर यू बाय द इंटरनेट सर्वर जो भी आपका इंटरनेट सर्वर होगा उसके पास मेल पहुँचेगा वो अपने पास रखेगा राइट तो जब भी क्या होगा अगर जैसे आउटलुक आप लोगों ने यूज़ किया जब मैं उसको अपना मेल को डाउनलोड करना चाहूँ जो भी मैसेज रिसीव हुआ है तो मैं उसको कर सकती हूँ चाहे मैं इंटरनेट से वहाँ पर कनेक्ट हूँ भी या फिर ना भी हूँ ठीक है बिकॉज ये काम मेरा इंटरनेट सर्वर कर लेगा तो जब भी मीन्स पहले अगर मैंने उसको ये वाली पॉइंट पढ़ो इट ऑल्सो अलाउज टू डाउनलोड द रिसीव्ड मैसेज इन लोकल मशीन यूजिंग द टूल लाइक आउटलुक सो दैट यूजर कैन रीड दैम इवन वेन दे आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट तो मैं इसको पहले अपना डाउनलोड वहाँ पर कर लेती हूँ हैप्पी किड्स दैट आई विल शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल चलिए और नेक्स्ट मेरे पास आता है वी ओ आई पी दैट मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है वॉइस अगर मेरे को वॉइस कम्युनिकेशन करना है या फिर वीडियो कॉल्स करनी है तो वहां पर मेरा जो नेटवर्क यूज़ होगा कौन सा सॉरी प्रोटोकॉल यूज होगा दैट इज वी ओ आई पी नेक्स्ट मेरे पास आता है रिमोट लॉगिन रिमोट लॉगिन अगर मुझे रिमोट कंप्यूटर एक्सेस करना है जैसे टेलनेट हो गया आई थिंक आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने टीम व्यूअर को भी यूज़ किया होगा कि दूर बैठे हम किसी के सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं उसकी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं रिमोट लॉग कर सकते हैं तो वहाँ पर आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है टेलनेट अब कुछ बेसिक्स इंटरनेटवर्किंग टर्म्स हैं मेरे पास फ्री चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का नेक्स्ट इज डब्ल्यू 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 डैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब इसको किसने इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स ली ने जितने भी आपके पास इंटरनेट पर लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स हैं मिलियंस ऑफ वेब पेजेस हैं वो आप सारे के सारे किसकी हेल्प से एक्सेस कर सकते हो डब्ल्यू 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 की हेल्प से और नेक्स्ट मेरे पास आता है टेनेट हम लोगों ने पढ़ लिया वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर आपका एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपना वेबसाइट्स कोई भी वेब पेज चेक कर सकते हो विजिट कर सकते हो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस द वेबसाइट इसकी डेफिनेशन आ जाती है प्लस एग्जाम्पल्स आ जाते हैं एग्जाम्पल में आपने लिखे माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एज हो गया फायरफॉक्स हो गया गूगल क्रॉम ऑपरस में सफारी ये सारे आपके क्या हो गए ब्राउजर्स के एग्जाम्पल हाँ टीमवेयर एंड एन एनी डेस्क ऑल्सो राइट और आपने देखा होगा जो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस होती होंगी जूम वगैरह पर उसमें भी आपका ये टेलनेट प्रोटोकॉल यूज होता है पी डब्ल्यू स्टडी पॉइंट एक्चुअली दिस पी डी एफ आर कॉपी राइट उसके लिए जो जिनको ये लेना है दी हैव टू परचेज द मेम्बरशिप ऑफ द चैनल ओके सुमित कुमार नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है वेब सर्वर सो so, वेब सर्वर क्या है कि क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसके पास सेंड करेगा सर्वर के पास तो वो सर्वर के पास जो भी डेट मीन्स रिक्वेस्ट आई वो उसको रिस्पॉन्ड किसको करते हैं क्लाइंट को नेक्स्ट है मेरे पास यू आर एल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड अब हर एक वेबसाइट का अपना एक अलग एड्रेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं यू आर एल इस टाइप से देखते हैं सबसे पहले टाइप यहाँ पर आपका टाइप मीन्स प्रोटोकॉल कौन सा है एच टी टी पी एफ टी पी कौन सा प्रोटोकॉल है उसका एड्रेस हो गया प्लस अगर कोई फाइल है तो वो कहाँ पर रखी हुई है उसकी पाथ क्या है लोकेशन क्या है वो आपका आएगा नेक्स्ट मेरे पास है डोमेन नेम डोमेन नेम इज जैसे डॉट कॉम डॉट इन ये लिखते हैं वो आपकी क्या होती है डोमेन नेम वेब पेज क्या होता है तो वेबसाइट कोई भी गूगल पर कुछ भी ओपन करो कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो उसमें जो भी सिंगल पेजेस हैं सारे वापस में आपके क्या होते हैं वेब पेजेस वेबसाइट क्या, वेब क्या, वेब पेजे वेब वेब क्या होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लाइक सीबीएसई की वेबसाइट है उसी से रिलेटेड सारे वेब पेजेस हैं तो वो आपकी कम्प्लीट है क्या हो गई मेरे पास वेबसाइट हो गई नेक्स्ट मेरे पास आता है होम पेज किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है जो जब आप उसको ओपन करते हो उसको हम क्या बोलते हैं होम पेज वेब पोर्टल देखो वेब पोर्टल क्या होता है एक ऐसी वेबसाइट होती है जो काफ़ी सारी वेबसाइट्स का लिंक प्रोवाइड करती है फॉर एग्जाम्पल आप लोग गूगल पर सर्च करते हो कुछ भी तो वो काफ़ी सारी दूसरी वेबसाइट का एड्रेस आपको दे देती है तो वो आपका क्या होता है वेब पोर्टल नेक्स्ट मेरे पास है वेब होस्टिंग वेब होस्टिंग क्या होता है कि सपोज यू वॉन्ट टू क्रिएट योर ऑन वेबसाइट तो उसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए होती है सर्वर पर स्पेस चाहिए होता है अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए तो वो जहाँ से मुझे मिलती है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं वेब होस्टिंग दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग नेक्स्ट मेरे पास आता है एच इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक मेरे पास आता है एग्जामल काफ़ी होने आई थिंक एच टी पढ़ रखा होगा क्या होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज भी होता है जिसमें हम अपने खुद से टैग्स को क्रिएट कर सकते हैं डी एच टी एम होता है डायनमिक हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज डायनामिक आपकी वेबसाइट्स वो होती हैं या फिर वो वेब पेजेस जहाँ पर इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स चेंज होती रहती है फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिकेट मैच देखे होंगे चुके क्रिकबस की जो वेबसाइट है वो डी एच टी एम पर बेस्ड है कि जैसे कोई ओवर मीन एक एक बोल आ रही है उसके रंस चेंज हो रहे हैं तो वो आपकी डीएचटीएमएल पर बेस्ड रहती है रेन्यूज right, वेबसाइट हो गई आप लोगों की राइट right? जो आप कह रहे हो बेटा वायरस का टॉपिक हाँ इसमें से आप लोगों का ये सिलेबस दे रखा है अगर आप कहोगे तो वायरस वाले टॉपिक के क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें कर लेंगे सो डोंट वरी अबाउट दिस ओके शिवम शिवम वैसे देखो ऐसाच क्लियर कट सिलेबस आपका सिलेबस ओपन है बट हाँ ये काफ़ी जनरल टॉपिक है सो आज की जो हमारी इवनिंग की क्लास होगी उसमें हम इसको कवर अप जरूर करेंगे राइट फुल फॉर्म्स एक बार फटाफट से देख लो इसमें से फुल फॉर्म आनी ही आनी है ठीक है अर्पा नेट के हो गए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ नेटवर्क नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क हो गया आपका और इसके बाद हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हाइपर टेक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर सिक्योर मींस जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो ऑनलाइन वो सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू होती हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन सिक्योर रहती हैं टेलनेट हो गया उसके बाद वी यू आई पी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ठीक है सो ये कुछ आपकी फुल फॉर्म्स भी हैं राइट सो so, इसी के साथ हमारा जो ये वाली क्लास है मॉर्निंग वाली वो कंप्लीट होती है अगर आपको सी इसमें अगर जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क का चैप्टर अगर आप बुक में देखो काफ़ी वास्ट लगेगा आप लोगों को तो so, इसको आप लोग प्रिपेयर करना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की हेल्प से ठीक है कि एग्जाम में इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग देखिएगा ठीक है और यही हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी आज की इवनिंग वाली क्लास में ठीक है सो इफ़ येविंग एनी डाउट तो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन हाँ इस लाइसेंस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हम आज की फोर ओ क्लॉक वाली क्लास में डिस्कस करेंगे यस yes, रोए अगर सारे पी डी एफ वाले क्वेश्चन कर लोगे सारे वीडियोज़ देख लोगे इस चैनल पर जितनी वीडियोज अपलोडेड हैं तो ऑब्वियसली आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे हाँ सुधांशु फुल फॉर्म वाले वीडियो मैंने सारे फुल फॉर्म्स डाल रखी है इवन उसमें एक वीडियो में उसी वीडियो में कमेंट भी करा सुधांशो किसी स्टूडेंट ने जो फुल फॉर्म्स उसमें नहीं है वीडियो में इंक्लूड नहीं किए वो भी लिख रखी हैं आई थिंक मैंने उस कमेंट को शायद पिन भी कर रखा तो आप वो कमेंट भी चेक कर सकते हो एग्जामल आपकी एक एक्सटेंसिबल मैपअप लैंग्वेज है जैसे आपने अगर एच डी एम एल पढ़ रखा हो तो उसमें हमारे टैक्स होते हैं टैक्स मीन्स कि लाइक अगर मुझे अपने टैक्सट को बोल्ड करना है तो मैं बी टैग यूज़ करती हूँ बट एग्जामल में खुद से अपने टैक्स बना सकती हूँ राइट right? तो ये आपका मेन एडवांटेज रहता है एक्सएमएल लैंग्वेज का चलिए ओके मेलर डील्स मील्स डील्स चलिए अच्छा ये सी डी ए में और ये सब आपका जब मोबाइल कम्युनिकेशन वाला टॉपिक था ना उस टाइम था सिलेबस में अब ये चीज़ नहीं मैंशन बच्चे थैंक यू रोहन सिंह ओल्ड हाँ, टाइप के क्वेश्चन हम लोग जसप्रीत अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे कि किसी भी टॉपिक की तो मैंने आपको उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करा रखे हैं सो डोंट वरी ओके मील्स डील्स भेज देंगे चलिए तो फाइनली इसी के साथ हमारा जो हमने बहुत ही जल्दी से कवर कर दिया इस वन शॉट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग को आज की जो आपकी इवनिंग वाली क्लास है दैट इज फोर पीएम वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज उसमें हम सारे के सारे पी वाई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और मैं आपको वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊँगी कि किस तरीके से सॉल्व करने हैं राइट सो आई होप कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है तब तक आ जाए कोई भी इशू ना हो इन्वर्टर तब तक हमारा काम करता रहे ठीक है वैसे तो आपकी क्लास के बाद सारी लाइट्स ऑब्वियसली ऑफ कर देंगे सो दैट फोर ओ क्लॉक तक ये मीन्स हमारी जो फोर टू सिक्स वाली क्लास होगी वो अच्छे से चल जाए बट स्टिल अगर ऐसा कुछ इशू होता है तो आई विल इन्फॉर्म यू ऑन द टेलीग्राम चैनल जो भी मेरे पास होएगी मैसेज आप लोगों को, को इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा हाँ बतुल अरोड़ा उसके लिए बेटा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन के लिए चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोडेड आप वहाँ से चेक कर सकते हो स्पेस लवर ब्लैक बैकग्राउंड एक्चुअली अब ना सारी पी पीपीटीज बन चुकी हैं तो काफ़ी इसमें मुझे वो मैंने इसको करके देखा था ब्लैक पर फिर ये वाइट तो ठीक लग रहा था बट ये जहाँ जहाँ रेड है वो सारे भी मुझे चेंज करने पड़ रहे थे चलिए सो थैंकू सो मच एवरी वन इस सेशन में एंड तक बने रहने के लिए एंड एट द एंड ऑफ दिसन कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी कर देना एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल ठीक है सो सी यू टूडे एट फोर पी एम एंड डिस पी वाई दिस चैप्टर दैट इज कम्प्यूटर नेटवर्किंग थैंक यू